नमस्कार, आप देख रहे हैं चंदौली समाचार। चंदौली जिले के चकियां इलाके में जिलाधिकारी संजीव सिंह ने तहसील सभागार में स्थित संपूर्ण समाधान दिवस समाप्त होने के बाद चकियां क्षेत्र के नवाबगंज गांव स्थित पंप कैनाल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गया और वहां पर जायजा लेने के दौरान अफसरों की जमकर क्लास भी लगाई। कहा जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान मोटर पंप स्टार्टर बिजली की समस्या पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराज़गी जताते हुए अधिशासी अभियंता लघु को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों के धान की रोपाई के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता होना जरूरी है। इसके लिए पंप कैनालों पर मोटरों को दुरुस्त रखा जाए, पाइपलाइन में लीकेज ना हो और टेल तक पानी पहुंचे। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से अपील किया कि पानी की समस्या पर तुरंत अधिशासी अभियंता से संपर्क करें। आइए जानते हैं क्या कहा जिलाधिकारी ने। जनपद चंदौली में लघुडाल के अंतर्गत 31 पंप कैनाल हैं जिनसे कि किसानों की सिंचाई होती है। वर्तमान में धान की रुपाई का सीजन प्रगति पर है और ये शिकायतें आई हैं कि लघुडाल के द्वारा पंप कैनालों का सही से अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है। आज मेरे द्वारा तहसील दिवस के उपरांत नवाजगंज पंप कैनाल का निरीक्षण किया गया, जिसमें ये पाया गया कि एक पंप खराब है और दो मोटर खराब हैं, जिसकी वजह से पूर्ण क्षमता से ये पंप कैनाल नहीं चल रही है। इसके साथ साथ अन्य पंप कैनालों का भी रिव्यू किया गया है, उसमें भी स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई है। इसके लिए जो आपके अवर अभियंता, सहायक अभियंता और जो मुख्य अभियंता हैं वो दोषी हैं और उनको 3 दिन का समय दिया गया है। सभी पंप कैनलों का जांच किया जाएगा, साथ ही वहां जन भागीदारी भी की जाएगी कि उनका इंस्पेक्शन रिपोर्ट हम लोगों को मिलता रहे, जन सामान्य से भी फीडबैक मिलता रहे और इनको कड़ी चेतावनी के साथ साथ इनके खिलाफ़ लिख के भी दिया जाएगा जो इन्होंने लापरवाही इसमें की है। और समय दिया गया है कि आगामी 3 से 5 दिवस में सभी पंप कैनलों को पूर्ण क्षमता से संचालित कराएँ। इसमें जो फीडबैक दिया गया है किसानों के द्वारा कि लघुडाल के जो भी अभियंता हैं उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जाता है, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सभी फ़ोन उठाए। साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें कि राजस्व कर्मियों को भी लगा रहे हैं कि वो किसानों की अगर कोई समस्या आती है उसको तत्काल उचित फोरम पर पहुँचे और उसका निराकरण हो। सभी सिंचाई जो हमारे अभियंता हैं या कर्मचारी हैं उनका एक रोस्टर बनाने के लिए निर्देशित किया गया कि रोस्टर बनाएं और वहां पर उपस्थित रहें, किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुने और अगर कहीं कोई फॉल्ट आती है या कोई कमी आती है उसको तत्काल दुरुस्त किया जाए और सभी जो हमारे पंप कैनाल हों या नहरें हों उनको सुचारू रूप से संचालित किया जाए।